हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसके सहारे ये जो DRL आती है गाड़ी में, इस DRL को आप मनचाहे तरीके से स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं। यानी जब आपको चाहिए आप स्विच ऑफ कर सकते हैं और जब आपको चाहिए स्विच ऑन कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी में इसे ऑन ऑफ करने के लिए कोई भी स्विच कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ऐसा क्या ट्रिक है जिसके सहारे आप ये काम कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मारुति की किसी भी गाड़ी में ऐसा कोई स्विच नहीं आता है जिससे आप DRL जो सामने जलती है उसको ऑन या ऑफ कर सकें, लेकिन एक ट्रिक है जिसके सहारे आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस ट्रिक के सहारे वो करेंगे तो सबसे पहली बात, जब आप उसे ऑफ करेंगे तो एक सिंगल बीप आएगी पीप करके, और जब आप उसे ऑन करेंगे तो डबल बीप आएगी पीप पीप कर। तो यही आपका वो सिग्नल है जिसके सहारे आप समझ सकते हैं कि आपका DRL ऑफ या ऑन हुई है। और बाहर से जाकर गाड़ी को स्टार्ट कर हम लोग इसे वापस चेक भी करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जो असेंबली है जिसके सहारे हम लोग हेडलाइट या सिग्नल लाइट को ऑपरेट करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए वो चीज़ जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी है इस ट्रिक को काम में लाने के लिए। यहाँ चार पोजिशन है, देखिए, एक ऑफ, एक ऑटो, एक हाफ लाइट, एक फुल लाइट, देख रहे हैं। तो यहाँ जो ये ऑफ में जो कंपनी के तरफ से जो ये सिंबल आया है, इस सिंबल को मैं यहाँ ले जाता हूँ सामने, देखिए, एक ये हाफ वाले पोजीशन पे और दूसरा ये फुल वाले पोजीशन पे, देख रहे हैं। तो देखिए, हमें ये जो तीसरा और चौथा पोजीशन है इसी का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको घुमाकर जब भी आप ऐसे घुमाएंगे तो ये देखिए, ये जो पोजीशन है स्विच ऑन या ऑफ का पोजीशन बताने के लिए जो दागी दिया हुआ है वो हाफ लाइट पे आनी चाहिए और वो फुल लाइट पर भी आनी चाहिए। लेकिन कैसे, देखिए, चीज़ को समझिएगा। मैं इसको अभी ऑफ कर रहा हूँ, हमें गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, हमें इग्निशन स्विच को खाली ऑन करना है। यहाँ सेंटर पर देखिएगा, गाड़ी खाली ऑन होगी, मैं इग्निशन स्विच ऑन कर रहा हूँ, गाड़ी ऑन हो गई लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं की है। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात, ये जो तीसरा और चौथा पोजीशन है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। मुझे इसे कुछ इस तरीके से घुमाना है कि तीसरे पोजीशन पे 5 बार वापस ले आके चौथे पोजीशन पे 5 बार DRL ऑफ हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, और आप ये बीप का साउंड सुनिएगा जो गाड़ी से आएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये साउंड सुनाई दिया आपको, अभी DRL ऑफ हो गई है। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो DRL नहीं जलेगी, दिखाता हूं मैं आपको। और ये गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, आइए अभी बाहर चलते हैं। दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। DRL का स्विच ऑफ है, DRL नहीं जलेगी। दोस्तों आप ही लोगों के सुविधा के लिए बाहर में मैंने एक अलग से कैमरा लगाया था इस पूरे सिस्टम को एक बार आपको समझाने के लिए। देखिए ये लाइट का ऑन ऑफ चल रहा है और किस तरीके से आगे बढ़कर DRL ऑफ हो जाती है। देखिए गाड़ी के स्टार्ट करने के बाद में भी DRL नहीं जल रहा है। तो दोस्तों आइए गाड़ी के अंदर वापस चलकर सबसे पहले स्टार्ट को बंद कर लेते हैं और फिर DRL को जलाने के तरीके को समझते हैं। तो दोबारा से मैं गाड़ी को स्विच ऑन करूंगा और स्टार्ट नहीं करूंगा, और ठीक उसी प्रकार से 5 बार ये तीसरी पोजीशन पे, 5 बार ये चौथी पोजीशन पे, ठीक उसी प्रकार करने पर 2 बीप आएगी जिसके सहारे हमें पता चलेगा कि DRL ऑन हो गई है। देखिएगा दोस्तों, देख रहे हैं, मैं अभी करता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सुन रहे हैं, 2 बीप आया, यानी DRL अपनी ऑन हो गई है। अभी हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और वापस से बाहर चलते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा वो फर्क, DRL ऑन है, आपको पता लग जाएगा। दोस्तों देखिए अभी DRL की लाइट जल रही है, देख रहे हैं, DRL की लाइट अभी जल रही है। हेडलाइट देके आओ, हेडलाइट ऑन कर दो, फुल लाइट फुल घुमा दो, हाँ देखिए अभी हेडलाइट जल रही है, ऑफ कर दो,
हाँ तो देखिए दोस्तों, अभी DRL जल रही है, आप देख सकते हैं क्लियरली। अंधेरा होता तो ज़्यादा आपको बेहतर नज़र आता, लेकिन अभी हेडलाइट ऑफ है लेकिन DRL जल रही है। तो दोस्तों DRL को ऑन या ऑफ करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। DRL जब भी आप गाड़ी को चलाएंगे दिन के समय में तो ऑफ रहेगा, लेकिन एक जरूरी चीज, रात में जब भी आप हेडलाइट को ऑन करेंगे, चाहे आप हाफ लाइट करें या फुल लाइट करें साथ में, लेकिन DRL भी जलेगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि DRL को हम लोगों ने दिन के समय में ऑफ कर दिया और रात में तो हमने इसे ऑन किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये कैसे जल रहा है, वैसा नहीं है, ये फिर भी रात में जलेगा अगर आप हेडलाइट को ऑन करोगे या फिर उसको हाफ या फुल लाइट जैसे भी पोजिशन पर रखना चाहोगे। तो जब भी आप हेडलाइट को ऑन करोगे तो ये साथ में DRL भी जलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था हमें हमारे ही सब्सक्राइबर मिस्टर धीरज रेड्डी जी ने साउथ इंडिया से, जो ये जानना चाहते थे कि किस तरीके से DRL को ऑन या ऑफ किया जा सकता है, या फिर क्या DRL को ऑन या ऑफ किया जा सकता है, जानना चाहते थे। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू धीरज रेड्डी जी के लिए, जिन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसके चलते मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आ पाया। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों में से जो भी आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे इस तरीके के आने वाले हर नए वीडियो को बराबर पा सकें। धन्यवाद।